सो फाइनली गाइस अभी हमारे पास एक टैब आया है और ये है लेनोवो का M8 HD और इसके अंदर लगा है FRP लॉक। तो कैसे इसका पासवर्ड FRP हम अनलॉक करेंगे UMT की मदद से, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चूंकि ये MediaTek CPU वाला है इसलिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग UMT का MTK वाला वर्जन हम ओपन करके रखे हुए हैं और इसके अंदर CPU लगा है MTK 6761। तो यहाँ पे UMT की मदद से हम इसको अनलॉक करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कस्टमर ने इसे हार्ड रिसेट तो कर लिया बट इसका FRP के लिए हमारे पास लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी MTK CPU वाला फ़ोन आए तो सबसे पहले पार्टीशन मैनेजर पे जाके आपको एक बार बूट करा के फ़ोन का हेल्थ देख लेना है कि अगर इसका हेल्थ सही होगा तो ही अनलॉक करिए, अदरवाइज इसको ज़्यादातर चांस है कि रिटर्न कर दिया करिए। अगर हेल्थ खराब निकला तो फिर आपका डेड होने का रिस्क हो सकता है या फिर हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, खास तौर पे हार्ड रिसेट करने पे। चूंकि हम इसे सिर्फ FRP कर रहे हैं तो हमारा काम चल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ टाइम ए और बी में दोनों में आपको 0 to 10 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये 90% से ऊपर हो जाएगा, लाइफ टाइम हो जाएगा, तो फिर इसे हम नहीं करेंगे अनलॉक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हमें अगर चाहे तो रीड स्केटर फाइल रीड करके रख सकते हैं, राइट कर सकते हैं और इसे इरीज करके पूरा डिलीट भी कर सकते हैं। गलती से अगर आपने इरीज कर दिया तो फिर से फ़ोन आपका गया काम से, तो इरीज भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से अभी बैक जाना है सर्विस पे और हम फिर दोबारा इसको कनेक्ट करके और इसका हम सिर्फ FRP करेंगे। तो यहाँ पे FRP वाले ऑप्शन पे जाके हम फंक्शन वाले ऑप्शन पे और FRP पे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे और जैसे ही ये फिर से दोबारा केबल लगाने के लिए बोलेगा हम वापस से केबल निकाल के फिर इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाएंगे और केबल लगाएंगे। कोई भी MTK CPU है जिसके अंदर अगर आपको पोर्ट बनाना है तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के और केबल लगाना रहता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए बात बता रहा हूँ। ये जब तक फ़ोन अनलॉक हो रहा है तब तक आप सभी लोगों से कहूँगा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे मात्र 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। वीडियो तो सभी लोग देखते हैं बट 80% लोग अभी भी बाकी हैं, तो उन लोग से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनसे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे FRP हुआ है तो हमारा फ़ोन खुलने में ज़्यादा समय नहीं लिया, अगर इसे हम फॉर्मेट भी किए होते तो फ़ोन खुलने में ज़्यादा टाइम लेता। तो हम अभी क्या करेंगे, फटाफट से इसका सेटअप कर लेंगे। पहले जो लॉक का सिंबल दिखा रहा था अभी वो नहीं दिखा रहा है, तभी सिंपल सा हमें इसे क्या करना है, सेटअप करना है। जो आप नया फ़ोन खरीदते हैं सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर ट्राई करना है और लास्ट तक आप करेंगे तो आपको कहीं भी कोई पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा और ऑफलाइन ही ये सारा सेटअप हो जाएगा क्योंकि हमने इसका FRP बाईपास कर लिया है। तो सिंपल सा हम सेटअप करके और आपको दिखाते हैं फटाफट से, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर इसका सेटअप जैसे ही कम्प्लीट होगा ये फ़ोन नॉर्मली ऑन हो जाएगा बिना किसी झंझट के, बिना किसी पासवर्ड के। तो आप इसी प्रकार की वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड सारी वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है, तो आप लोगों को चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो बस मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।